नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। इस समय की एक ब्रेकिंग न्यूज भी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 184 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इस सूची में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से और गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से, तो वहीं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एक और दूसरा सबसे बड़ा समाचार आ रहा है कि उसी समय आया है और जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की गांधीनगर सीट पर, उनके स्थान पर पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कहा कि लालकृष्ण आडवाणी ने स्वयं चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया है, वहीं दूसरी ओर उम्मीदवारों की सूची की घोषणा के तुरंत बाद कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि जो पार्टी अपने वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का टिकट काट सकती है, उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता और उससे किसी प्रकार की कोई आशा भी नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति के सचिव जगत प्रकाश नायडू द्वारा जारी किए गए 184 उम्मीदवारों की सूची इस प्रकार से है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन ये बात पूरी तरह से तय है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का टिकट कट चुका है। आडवाणी के स्थान पर गांधीनगर से अमित शाह होंगे उम्मीदवार। भाजपा ने 20 राज्यों में 184 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। देखते हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट।